तो सुबह सुबह बंधन के कहाँ जा रहे हो भाई? आगरा के ताजमहल देखो, पैदल पैदल जा रहे हैं ये लोग। और हमारा यहाँ बहुत सारे होटल हैं, ताज मार्बल प्लेस वगैरह ऐसा करके बहुत सारे होटल हैं। गेटवे को मेन फतेहाबाद से लगी हुई रोड थी, तो हमने होटल लिया था इधर पे ही। सो गाइस, दिस इज आदि, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आदि व्लॉग्स। तो मॉर्निंग के बजे हैं 6, तो मैं 4 बजे उठ गया था मॉर्निंग में। और जल्दी से उठने के बाद मैंने बोला कि भाई पहले हमको जाना है ताजमहल घूमने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह भीड़ कम रहती है और ऐसा भीड़ कम रहेगी तो हम लोग को हम लोग ने होटल से किया था ई रिक्शा 50 रुपये में, उसने हमको छोड़ा कि यहाँ पे बिल्कुल ताजमहल की पार्किंग के बाहर से। तो उसके बाद वहाँ से ई कार थी जो मतलब 10-10 रुपये में ताजमहल तक छोड़ती है। वहाँ से पार्किंग से ताजमहल की डिस्टेंस 1 किलोमीटर है। तो आज सुबह मॉर्निंग वॉक का वॉक नहीं किया था, मैंने कहा चलो पैदल पैदल चलते हैं, थोड़ा खूबसूरती देख के निकलेंगे ताजमहल की ओर को। लेकिन मैं सोचा कि सुबह सुबह मॉर्निंग में हम लोग जल्दी पहुँचेंगे तो अच्छी फोटोग्राफी भी होगी, लेकिन लोग भी हमारी तरह सोच रहे थे, मतलब बहुत सारे लोग आगे, क्योंकि दिन में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है इसलिए लोग सुबह सुबह जल्दी आते हैं। तो अगर आपको भी आना है तो सुबह सुबह जल्दी आइए, सबसे थोड़ा व्यू भी अच्छा मिलता है, सनराइज का व्यू भी मिल जाता है, साथ साथ में आपको सुबह भीड़ भी कम मिलेगी और धूप भी कम लगेगी, तो दिन में आपका ताजमहल घूमने के लिए आसानी होगी। इसके बाद आप आगरा के और भी प्लेस एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे मेरे पीछे से भी कार गई थी, सब अंग्रेज लोग बैठे हुए हैं। जो इंडियन का टिकट है वो 50 रुपये है ताजमहल का आउटडोर का पूरा, और अगर आप इंटरनल उसको घूमना चाहते हैं तो 200 रुपये एक्स्ट्रा आपको देने पड़ेंगे। तो हमने सिर्फ 50 रुपये टिकट खरीदी है, वो भी ऑनलाइन ली है, तो उसमें 45 रुपये की हम लोग को पड़ी है। एक्चुअली क्या होता है कि जैसे ही आप सुबह मॉर्निंग में जल्दी आते हैं, देखिए हम लोग अभी 6-6 बजे पहुँच गए थे। अभी क्या हुआ है, देखिए सिक्योरिटी चेकअप इतना लंबा है कि यहाँ पर टिकट तो आप ऑनलाइन ले सकते हैं, लेकिन सिक्योरिटी वाली लाइन पर आपको आधा आधा घंटा खड़ा होना पड़ता है। तो इसलिए जितना कम सामान आप लेके आओगे उतनी ज़्यादा आपकी कम तकलीफ होगी और उतना ज़्यादा दूसरों को भी तकलीफ कम होगी। तो इसलिए सामान लेके ही ना आए, सिर्फ अपना मोबाइल लेके आए और जो आपको कैमरा वगैरह लेके आना है वो लेके आए। तो देखिए ये उधर जेंट्स की लाइन अलग है और वुमेन की लाइन अलग है, दोनों की लाइन लेडीज और जेंट्स की बिल्कुल अलग अलग है। सिक्योरिटी चेकिंग का जो प्रोसेस है वो है बहुत टफ। तो आप ये देखिए ना कि वो वुमेन्स को बहुत वैसे चेक करते हैं। अभी क्या है कि यहाँ पर ट्राईपॉड तो और इलेक्ट्रॉनिक आइटम तो बिल्कुल स्टैंडर्ड है, सिर्फ आप एक कैमरा DSLR और अपना मोबाइल लेके आता है, GoPro लेके आता है, लेकिन उस पर ट्राईपॉड नहीं होना चाहिए बस, तो आपको एंट्री मिलेगी, वरना वो आपको भेज देंगे बाहर। तो ऐसा कुछ मतलब है यहाँ का मतलब सिक्योरिटी जो चेकिंग है, जितना कम सामान लेके आओगे उतनी चेकिंग हो जाएगी, और वरना फिर आपको बार बार लॉकर में रखने के लिए यहाँ वहाँ वहाँ ऐसे दौड़ाया जाएगा। तो हम लोग को मतलब कार की चाबी लाने देते हैं, तो कार की चाबी में मेरे को मना नहीं किया, मेरे पास मोबाइल था, इसके अलावा कुछ था नहीं क्योंकि मैं GoPro लेके नहीं आया हूँ, क्योंकि उसमें वो काफ़ी लफड़ा रहा था। अभी निहारिका लोग का वेट कर रहा हूँ कि वो लोग मुझे मिल जाएँ, लेकिन वो अभी तक आए नहीं है चेकिंग करके। कैसा लगा सिक्योरिटी चेकिंग, कैसा लगा? नीतू के पर्स की वजह से हम लोग आधे घंटे लेते हैं, अगर लड़कियाँ ये पर्स ले आई ना तो समझ लो कि आपको बहुत इंतजार करना पड़ेगा। सुबह सुबह आप भीड़ देखो कितनी ज़्यादा है पूरे ताजमहल में, इतनी ज़्यादा भीड़ है। देखो बच्चे भी स्कूल के आए हुए हैं, पूरा ग्रुप ही आया हुआ है। और ये है मेन गेट ताजमहल का। कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है ताजमहल देख के? हैं ऐसे कल्पना की थी तुमने, ऐसा दिखाई देगा? नहीं मतलब एंट्री पॉइंट ऐसी होगी बिल्कुल अंधेरा सा रहेगा, फिर उसके बाद चमकता सा ताजमहल दिखाई देगा। लेकिन सुबह सुबह भीड़ इतनी होगी है ना भाई कि अब फोटोग्राफी करने में तो मजा आने वाला है नहीं, और अभी जैसे जैसे बढ़ते जाएगी वैसे वैसे और दिक्कत होने वाली। वैसे मतलब ये देखो एक अलग कल्चर होता है
बाहर से लोग आए हुए हैं और फॉलो कर रहे हैं इंडियन कल्चर। उन्होंने बहुत खूबसूरत साड़ी पहनी हुई है, ऐसे मैंने बहुत सारे लोग देखे, मतलब देखो ये लोग बाहर से आए हुए हैं और साड़ी पहन रखी है, उनके हस्बैंड ने उसी कलर की साड़ पहनी हुई है। एक को मैंने देखा कि वो घूम रहे थे शेरवानी और लहंगा वगैरह पहन रखा था उन्होंने, मतलब जितने भी फॉरेन से लोग आए हुए हैं वो लोग यहाँ आके साड़ी पहन के घूमे, भले उनको साड़ी मतलब पहननी उतनी सही ढंग से नहीं आती, इन्होंने तो बहुत अच्छे से पहनी हुई है, लेकिन इन्होंने ये भी देखो साड़ी पहन के मोस्टली लोग आए हुए हैं ताजमहल घूमने के लिए। तो जितना 50 रुपये में आप घूम सकते हैं उतना मैं आपको बता देता हूँ, 50 रुपये में आप इस ताजमहल के चारों ओर वहाँ से व्यू पूरा लेते हुए, और यहाँ जाने के लिए इसके अंदर जाने के लिए आपको 200 रुपये और पेड करने पड़ेंगे। अंदर कब्र है मुमताज की और शाहजहाँ की, तो आप वहाँ जा सकते हैं अंदर, 200 रुपये देंगे। फिर चेक इन हुआ यहाँ पे आपको शूज पे अपने कवर लाने पड़ेंगे, 10-10 रुपये के शूज कवर खरीदने पड़ेंगे, मतलब ऐसा कुछ है यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी ये है काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी ब्यूटीफुल। अभी पीछे हम जा रहे हैं पीछे वाले व्यू पे, थोड़ा भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई है तो ब्लॉग करने का ही मन नहीं कर रहा था, ऐसा है कि पीछे जाएंगे पीछे देखते हैं इसके पीछे इस समय क्या है। तो उसमें एंटर होने के लिए एक ईस्ट गेट था, वेस्ट गेट था, और पीछे वाला जो बैकेंड है ये है पूरा आपका जमुना नदी। तो जमुना नदी के किनारे ये पूरा का पूरा ताजमहल मतलब बना हुआ है। देखिए कितना खूबसूरत, अगर हम बात करें आगरा फोर्ट की, तो आगरा फोर्ट ये सामने है जहाँ से लोग 3 गुम्बद आपको दिखाई दे रहे हैं आगरा फोर्ट के, वहीं से मतलब शाहजहाँ निहारता था इस ताजमहल को। तो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको वो भी दिखाऊंगा, क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा बन जाता है, पिछले बार बहुत बड़ा था लोगों ने देखा ही नहीं भाई। तो ये है देखिए कितना प्यारा व्यू है, पीछे सनराइज हो रहा है इसके बिल्कुल जस्ट पीछे। तो आप देख सकते हैं ताजमहल, अब हम तीनों बैठ के एक सीट पर बैठ के इसका कर रहे हैं दीदार, काफ़ी खूबसूरत है, मतलब एक मोहब्बत की मिसाल। एक आदमी ने मोहब्बत के लिए कितने लाखों करोड़ रुपए खर्च कर लिए, देखो सिर्फ एक यादगार बनाने के लिए। दुनिया का 7वां अजूबा है, इंडिया का बहुत फेमस, उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में स्थित। तो ये भीड़ इतनी थी कि बड़ी मुझसे फ़ोटो खिंचाने की लाइन लग रखी है लोगों की, बोले भैया हमारे लोकेशन छोड़ो हमारे लोकेशन छोड़ो। तो अब हम भी अब ढूंढ ढाट के आए, कुछ फ़ोटो वोटो खींची मस्त वाली, तो काफ़ी अच्छा लगा ऐसा देख के। तो भाई कैसा लगा ताजमहल हैं, आया मज़ा घूम के? भीड़ कैसी है? भीड़ बहुत है, लेकिन सुबह सुबह जल्दी आ गए थे, हट भी नहीं रहे लोग। नहीं तो तुमको कैसा लगा? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। तो ये था पूरा ताजमहल, अब करते हैं ताजमहल को अलविदा, क्योंकि तो धूप बहुत बढ़ने लगी है, गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है। तो ये था आगरा का ताजमहल, आप भी आइए विजिट कीजिए, और इस सुंदर मोहब्बत की मोहब्बत के मतलब बने हुए एक बहुत सारी खूबसूरत इमारत का दर्शन कीजिए, जैसे कि मोहब्बत में किसी ने कितना प्यारा एक बना दिया जो आज पूरी दुनिया देखने के लिए आ रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में आदि ब्लॉग के साथ, अब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।